हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो वो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली, क्योंकि आज की जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें ना आपकी जो नॉर्मल जो समस्या रहती है सेमीऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर, वो सारी की सारी समस्या आपकी दूर होने वाली है, जो कि जनरल हमारी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम मशीन के अंदर आती है। तो किस किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो सेफ रहे, यानी दोस्तों जो मैं आपको आज टिप्स बताने वाला हूँ उन टिप्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉशिंग मशीन की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं और आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वॉशिंग मशीन के वॉश टब के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज हम ना कभी वॉश कर रहे होते हैं तो हमारा जो वाटर होता है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होता रहता है, जबकि हमने ड्रेन सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ होता है। तो वो किस वजह से होता है तो आज की इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर वॉश। तो सभी वॉशिंग मशीन, यानी कि अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, सभी वॉशिंग मशीन का जो वॉश टब होता है वो इस तरह का होता है। अब जो आपका जो ऑटो ड्रेन की जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि मशीन का जो सरफ का पानी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो रहा है, वो किस वजह से होता है। आप अगर कपड़ों को चेक करें बिना डालते हैं तो यहाँ ना इसके नीचे पल्सेटर के नीचे सिक्के वगैरह फंस जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये पेच पड़ा हुआ है। अगर पेच इसके अंदर फंस जाएगा तो ऑटो ड्रेन की प्रॉब्लम आने लगेगी और कपड़े आपके फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पल्सेटर रोटेट कर रहा है और आवाज़ आती है घड़गड़ घड़गड़ की, वो किस वजह से आती है, क्योंकि इसके नीचे ना सिक्का वगैरह पिन वगैरह वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ भी आती है और मशीन में जो कपड़े हम वॉश करते हैं उसमें ना फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना देखने के लिए मिले तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने कपड़ों को ना चेक करके हमेशा डालना होता है, जिससे कि इसमें सिक्के वगैरह ना हो या कोई नुकीली चीज़ ना हो जो कि इसके पल्सेटर के नीचे ना फंसे, जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। दूसरी चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको ना जो पल्सेटर होता है ये आपको विद इन अ मंथ के अंदर या दो महीने के अंदर अंदर आपको ना आराम से निकल जाता है। आप इसे निकालेंगे बाहर तो ये आपको पेच मिलेगा, इस पेच को आप खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर से तो इसका जो पल्सेटर हल्का से इस तरह से हिलाएंगे तो ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा पल्सेटर बाहर आ जाएगा और इसके नीचे ना गंदगी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो उस गंदगी को हमें ना क्लीन कर लेना चाहिए अपने वॉश साइकिल के अकॉर्डिंग, यानी कि ज़्यादा आप वॉश करते हैं तो एक महीने के अंदर और आप तीन तीन चार चार दिन के अंदर वॉश करते हैं तो आप दो महीने के अंदर इसे हमेशा वॉश कर लीजिए। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसे वॉश करने का जो गंदगी इसके नीचे फंसी रहती है वो क्लीन हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कपड़ों के अंदर जब हम धुलाई करते हैं तो कपड़ों के अंदर आपके जैसे वाइट लाइनिंग आने लगती है, जो हमारे ब्लैक कपड़े होते हैं स्मेल सी भी आने लगती है, तो इसके नीचे जो पल्सेटर की जो गंदगी फंसी होती है वो इस वजह से होता है। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले तो उसके लिए आपको पल्सेटर भी जल्दी से जल्दी क्लीन कर लेना चाहिए। फिर आता है फिल्टर। जिस भी वॉशिंग मशीन के अंदर ये फिल्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं, किसी में आपको प्लास्टिक वाला मिलेगा, किसी में आपको जाली वाला मिलेगा, तो इस फिल्टर को क्लीन कर लेना चाहिए जब जब आप वॉश कर रहे हैं, यानी कि कभी भी आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं हमेशा इसको निकाल करके क्लीन कर लेना चाहिए ताकि गंदगी आराम से क्लीन हो जाए। ये डस्ट कलेक्टर का काम करता है और इसके अंदर डस्ट के साथ साथ जो हमारे रूए रेसे होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसके अंदर इकट्ठी होती हैं। हर एक वॉशिंग मशीन के अंदर ये होना चाहिए, या तो प्लास्टिक वाला या फिर इस तरह का। अब बात आती है कि कौन सी वॉशिंग मशीन के अंदर ये बेस्ट रहता है, जिसका बॉटम की साइड में लगा हो वो वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट रहेगी। कभी आप कम कपड़े ही वॉश करें तब भी इजीली वर्क करेगा। तो ये आता है वॉश ड्रम के बारे में कि वॉश ड्रम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब आती है वॉश ड्रम के बाद इसके अंदर आपको स्प्रिंट टब की। किसी भी कंपनी की अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप इसके अंदर कपड़े खंगाल रहे हैं या फिर आप ड्राई कर रहे हैं तो हमेशा ना कपड़ों को खोल खोल करके ही डालना चाहिए। कभी हम गुत्थी बने हुए डाल देते तो RPM भी अच्छी नहीं मिलती है और इस तरह से आवाज़ आती है। आपने देखा होगा, आप एग्जिस्टिंग मशीन यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर ही इस तरह की आवाज़ आती है। वो किस वजह से आती है कि हम कपड़े यूँ इसके अंदर से निकालते हैं और यूँ ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े एक जगह गुत्थी बने हुए पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़े अच्छे से वो ड्राई नहीं हो पाते हैं और इसमें बैलेंस नहीं हो पाते हैं। बैलेंस बनाने के लिए आपको कपड़ों को खोल खोल करके डालना चाहिए। अब मान के चलो हमने कपड़े इसके अंदर ऐड कर दिए, इस तरह से बंद करके हमने चालू कर दी, तो इसमें भी इसके अंदर खतरा है। खतरा ये कि आप देखोगे तो इसका जो ये पल्सेटर है, इसका जो ये दोस्तों आपको मिल जाता है इसके अंदर स्पिन ड्रम, यहाँ ना कपड़े फटने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ फंस जाते हैं। जब मशीन ही हाई RPM पे वर्क करती है तो कपड़े ना ऊपर की तरफ आपके उछाल मारते हैं और साइड में फंसने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से कपड़े ना फट जाते हैं। तो उसके लिए हर एक कंपनी हर एक वॉशिंग मशीन के अंदर एक आपको सेफ्टी कवर देके चलती है। ये सेफ्टी कवर इस तरह से आपको मोल्ड करके इसकी तरफ अंदर की तरफ इस तरह से लगा देना होता है, जिससे कि आपके कपड़े ऊपर की तरफ उछालने मारेंगे। इसका ये काम अब डबल कर रहा है आपका, यानी कि कपड़े ऊपर की तरफ उछालने मारेंगे तो डैमेज नहीं होंगे और कपड़े आप खोल खोल करके डालो
जिससे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी सेफ्टी होती है जो आपको देखनी होती है वॉशिंग मशीन के अंदर। बाकी बात आती है कि वॉशिंग मशीन कौन सी बेस्ट चल रही है अभी, तो वर्लपूल कंपनी की वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर अभी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वारंटी 4 साल की मिल जाती है। फीचर्स सभी के अंदर सेम रहते हैं, जो भी आप वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो उनके प्रोग्राम सेम होते हैं। वाटर लेट पाइप आपको यहाँ कनेक्ट करना होता है, वॉश सिलेक्टर होता है, सभी मशीन के अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर पानी चाहिए, इसके अंदर इसके लगाना है, इसके अंदर पानी ले सकते हैं। ये वॉश सिलेक्टर मिल जाता है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लगा सकते हैं। ये वॉश टाइमर मिल जाता है आपको, ड्रेन सिलेक्टर मिल जाता है जिससे कि आप कपड़े का जो गंदा पानी होता है सब बाहर निकाल सकते हैं। स्पिन टाइमर मिल जाता है जो इसके अंदर आपको यूज करना होता है। तो ओवरऑल ये होता है इस वॉशिंग मशीनों के बारे में, ये थोड़ी सी आपको सेफ्टी मेरे अकॉर्डिंग रखनी चाहिए आपको, जिससे कि इस वॉशिंग मशीन की लाइफ आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये था थोड़ी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जिसमें आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। थैंक यू।